Swayam Prabha, Digital India, Educated India Namaskar. मैं श्रेष्ठ यादव एक बार फिर से आप सभी का इस लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करता हूं। लास्ट के दो लेक्चर्स में दो क्लासेस में हम लोगों ने डेटा प्रेजेंटेशन के बारे में विस्तार से चर्चा की उस चर्चा को पूर्ण करने के बाद आज से हम लोग सांख्यिकी के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं इस लेक्चर में हम लोग वर्णात्मक सांख्यिकी के मूलभूत अवधारणाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे तो आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं वर्णन के डिस्कशन से जैसा कि अभी हमने कहा वर्णात्मक सांख्यिकी तो वर्णात्मक सांख्यिकी का डिस्कशन करने से पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हम वर्णन किसे कहते हैं और हम अपने जीवन में वर्णन का उपयोग कब करते हैं तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि यदि आपसे पूछा जाए कि अपने एक किसी दोस्त के बारे में फ्रेंड के बारे में बताइए तो आप क्या करेंगे उस दोस्त के डिफ़रेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की वर्णन करना प्रारंभ करेंगे अर्थात जब आप किसी को किसी के बारे में बताते हैं अपना मीनिंग कन्वे करते हैं तो आप उसके बारे में वर्णन करते हैं हो सकता है आप अपने दोस्त के बारे में बहुत अच्छे से जानते हों उसकी बहुत सारे गुणों अवगुणों के बारे में जानते हों तो आप उनके बहुत सारे गुणों और अवगुणों के बारे में चर्चा करें लेकिन सामान्यतः अगर आपसे पूछा जाए कि अपने फ्रेंड के बारे में एक या दो स्टेटमेंट में कुछ बताइए तो आप क्या करेंगे क्या उनके सभी गुणों के बारे में बताएंगे या उनके कुछ विशेष तरह के गुण के बारे में बताएंगे तो हम ये पाते हैं कि जब हमें किसी के बारे में वर्णन करना होता है तो हम उसकी कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ या डी लिमिट्स या लिमिटेशंस के बारे में ही चर्चा आरंभ करते हैं तो जब भी हम किसी के बारे में वर्णन करते हैं तो हम उसके बारे में सभी जानकारी ना देकर कुछ स्पेसिफिक जानकारियाँ प्रदान करते हैं अब हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोगों ने यही बताने का प्रयास किया है कि वर्णन का अर्थ है विभिन्न गुणों की व्याख्या करना उनके बारे में बताना या उनके बारे में दूसरों को जानकारी देना लेकिन अभी हमने ये भी डिस्कस किया कि जब हम डिस्क, डिस्क्राइब करते हैं किसी को तो सभी गुणों के बारे में ना बताकर हम उनके कुछ विशेष गुणों की चर्चा ज़्यादा अधिक करते हैं या उस चर्चा में उन विशेष गुणों पर ज़्यादा महत्व देते हैं अब ये कौन से गुण होते हैं जिनके ऊपर हम ज़्यादा प्रोमिनेंटली फोकस करते हैं तो जब आप देखिए अगर आप अपने किसी भी दोस्त के बारे में बताएंगे तो उसके उस गुण के बारे में डिस्कशन करेंगे जो सबसे ज़्यादा आपके दोस्त की पर्सनैलिटी को या उसके व्यवहार को रिप्रजेंट करता हो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका दोस्त बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है बात बात पर झगड़ा करता है छोटी सी बात पर दूसरों से लड़ने लगता है तो आप क्या कहेंगे कि वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है या एग्रेसिव है तो यहाँ पर हमने उस व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व को एक गुण के आधार पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसका ये गुण उसकी पूरी पर्सनैलिटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है प्रतिनिधित्व कर रहा है उसके पूरे करेक्टराइजेशन को वर्णन में हम लोग रिप्रेजेंटेशन का ज़्यादा ध्यान रखते हैं अब हम आगे बात करते हैं कि जब हम वर्णन करते हैं तो कौन कौन सी टेंडेंसीज को हम फोकस करते हैं तो अभी हमने कहा कि प्रमुख प्रोमिनेंट जो टेंडेंसीज होती हैं व्यक्ति की हम उसके बारे में ही चर्चा आरंभ करते हैं अब हम शुरुआत करते हैं सेंट्रल टेंडेंसीज़ की इन आवर डेटा एनालिसिस तो जो सेंट्रल टेंडेंसीज़ के मेज़र होते हैं वो हमारी डेटा सीरीज की जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं जो वो पॉइंट जो हमारी पूरी डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके, उन्हें हम सेंट्रल टेंडेंसी मेज़रमेंट के अंदर रखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर मुख्यतः हम लोग तीन मेज़र्स रखते हैं मीन, मीडियन मोड मध्यमान मध्यांक और बहुलांक ये तीनों हमको हमारे पूरे डेटा सीरीज़ के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इसके अतिरिक्त हमारे सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स हमें सहायता करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा ग्रुप हों तो हम उनके बारे में उनका कंपैरिजन कर सकते हैं जैसे अगर हमारे पास दो ग्रुप हैं मेल और फीमेल और हमने उन लोगों का एग्रेशन मेज़र किया है अब हमारे पास दोनों ग्रुप के मीन अवेलेबल हैं जो कि एक सेंट्रल टेंडेंसी का मेज़र है उस मीन की नमेरिकल वैल्यू के माध्यम से हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि इन दोनों ग्रुप में किस में एग्रेसिव बिहेवियर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स हमारी डेटा सीरीज़ को रिप्रेज़ेंट करते हैं वो नूमेरिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड कराते हैं जो हमारी पूरी डेटा सीरीज़ को रिप्रेज़ेंट करें एक नूमेरिकल वैल्यू से जिसके माध्यम से हम लोग दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं अपनी डेटा सीरीज़ के डिस्पर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के समय पर रेंज कैलकुलेट किया था तो रेंज हमें क्या मीनिंग देता है कि हमारी डेटा सीरीज किन नंबर्स के बीच में स्प्रेड होती है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी रेंज 55 है और हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है तो हम बता सकते हैं कि हमारी डेटा सीरीज़ में कौन कौन से नंबर प्रोबेबली प्रेजेंट हो सकते हैं और कौन सी वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं जो हमारी डेटा सीरीज में पॉसिबली इनकॉर्पोरेट नहीं की जा सकती हैं तो अब हम लोग एक एक करके इन मेज़र्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में विस्तार से चर्चा शुरू करते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा पहला मेज़र है मीन मध्यमान और अब हम लोग अपनी चर्चा मीन के माध्यम से ही शुरू करते हैं मध्यमान या मीन जब हम मीन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आइडिया आता है वो है औसत क्योंकि कॉमनली हम लोग जब भी बात करते हैं तो क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास डेटा वैल्यूज हैं उनको ऐड कीजिए जितने पॉइंट्स हैं उनसे उन्हें डिवाइड कर दीजिए तो हमारे पास हमारी मीन वैल्यू आ जाएगी अब हम कॉमन अपनी सोसाइटी में या अपनी लाइफ में मेन का उपयोग कैसे करते हैं ये समझते हैं फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से एक ए प्लेस से बी प्लेस तक की दूरी हमें पूरी करनी है हम लोगों ने अपनी ड्राइविंग शुरू की और हमने देखा कि ए से लेकर बी तक पहुँचने में हम लोगों को चार घंटे लगे चार घंटे लगने के बाद हमसे किसी ने पूछा कि आपकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी तो क्या हम लोग अगर ए से लेके बी प्लेस तक अगर चार स्टॉपेज थे तो अगर हो सकता है हमने ए से लेकर ए वन अगर पहला स्टॉपेज है एक अलग स्पीड से ड्राइव किया हो ए वन के बाद ए टू अगर सेकंड पॉइंट है ए वन से ए टू अलग ड्राइव स्पीड हो ए टू से ए थ्री अलग ड्राइविंग स्पीड हो ए थ्री से लेकर ए फोर अलग ड्राइविंग स्पीड हो हो सकता है हमने किसी एक पॉइंट पे एक एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं ए वन से ए टू का जो डिस्टेंस था वो हमने वन ट्वेंटी किलोमीटर पर आर की स्पीड से रन किया हो लेकिन ए टू से ए थ्री तक हमने फोर्टी किलोमीटर पर आर की स्पीड से रन किया हो लेकिन जब हम लोग इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमने किस पॉइंट पे गाड़ी किस स्पीड से रन की ज़रूरी ये है कि हमारे पास एवरेज कितना आया तो हम लोग ये बता सकते हैं इस एवरेज से कि ऑन एन एवरेज हमारी गाड़ी की स्पीड ये रही होगी इस डिस्टेंस को कवर अप करने में तो हम कन्वे कर सकते हैं अपनी इन्फॉर्मेशंस को दूसरों को बाय द मेथड ऑफ मीन बहुत ही कॉमन है हम बहुत बार अपनी लाइफ में इसका उपयोग करते हैं अब हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं बहुत ही सिंपल अनग्रुप डेटा पे और मीन कैलकुलेट करते हैं मीन कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं ये डिपेंड करता है कि हमारा डेटा ग्रुप डेटा है अनग्रुप डेटा है अनग्रुप डेटा है, है तो उसमें क्या फ्रिक्वेंसीज हैं इन अलग अलग कंडीशंस में हम अलग अलग मेथड्स से अलग अलग फार्मूलाज से मीन की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं तो सबसे शुरुआत में हम सबसे इजी मेथड जहां पर हमारे पास अनग्रुप डेटा है और हमने ये हाइपोथेटिकली इस डेटा को अपने पास रखा है यह डेटा हाइपोथेटिकल है हम सिर्फ कैलकुलेशंस में इसका उपयोग कर रहे हैं हमने माना हमारे पास फाइव डेटा पॉइंट्स हैं और इन डेटा पॉइंट्स की न्यूमेरिकल वैल्यू है फाइव नाइन एट सेवन इलेवन अब अगर कोई हमसे पूछे कि इस डेटा सीरीज का मेन क्या होगा तो अनग्रुप डेटा है इसका मेन कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन समीशन एक्स का मतलब है ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज हर डेटा पॉइंट की सम कर दी जाएंगी और उसे डिवाइड किया जाएगा नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स से डेटा ऑफ पॉइंट्स इक्वल टू एन यहाँ पर हमारे पास पाँच डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं टोटल इनका सम हम लोग पहले से ही कैलकुलेशन करके आए हैं ताकि हमारा यहाँ पर समय बचे और हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन कर सकें फोर्टी तो टोटल इनका है फोर्टी एन है फाइव तो हमारे पास जो मीन कैलकुलेट हुआ इस सीरीज का वो हुआ एट अब हम लोग मीन की एक और करेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं जिसे कहा जाता है मीन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टूवर्ड्स एक्सट्रीम स्कोर्स अब एक्सट्रीम स्कोर किसे कहते हैं एक्सट्रीम स्कोर वो स्कोर होते हैं जो हमारी डेटा सीरीज़ के नॉर्मल टेंडेंसी से अलग होते हैं अब हम यहीं पर इसी एग्जाम्पल को दोबारा यूज़ करेंगे हमारे पास डेटा है फाइव नाइन eight, seven, eleven. यहां हम देखते हैं कि ये डेटा पॉइंट आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग नुमेरिकल वैल्यू ओन नहीं करते हैं अब हम क्या करते हैं इसी डेटा सीरीज में एक और नूमेरिकल वैल्यू ऐड करते हैं 80। तो अब हमारे पास कितने डेटा पॉइंट हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सो एन अब हो गया सिक्स अब हम लोगों को क्या करना है समीशन एक्स हम लोगों ने कैलकुलेशन की है और उससे हमें मिला है समीशन एक्स इज्कल टू वन ट्वेंटी तो अब मीन की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन सो वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय सिक्स इज्कल टू ट्वेंटी तो अब अगर मैं कंपेरिजन करूँ कि जो मेरी डेटा सीरीज पहले थी उसका मेन वैल्यू था एट और अब जो मेरे पास मेन वैल्यू आई है वो है ट्वेंटी आप इसमें देखेंगे कि एक बड़ा डिफरेंस है और ये इतना बड़ा डिफरेंस किसकी वजह से आया सिंगल डेटा पॉइंट और ये सिंगल डेटा पॉइंट्स इस डिफरेंस को इसीलिए ऑरिजिनेट कर पाया क्योंकि ये इस डेटा सीरीज में एक, एक एक्सट्रीम वैल्यू है तो हमने देखा कि हमारा मीन हमारे पॉजिटिव साइड की तरफ डिस्प्लेस हुआ बढ़ गया जो मीन हमारा बीच में लाई करता था और हमारी डेटा सीरीज़ को रिप्रेजेंट करता था अब वो हमारे एक्सट्रीम स्कोर की तरफ मूव हो गया है फ्रॉम एट टू ट्वेंटी अब वो आठ से बढ़कर 20 ट्वेंटी हो गया है अब अगर मैं कहूँ कि इस डेटा सीरीज़ का रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ट्वेंटी होगा तो क्या ये सही होगा इस्टेटिसिकली हम कह सकते हैं कि सही है लेकिन बाय द मीनिंग इन्फ्रेंस ये गलत होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर इस डेटा पॉइंट की वजह से मेरा मीन डिस्टोर्ट हो गया है अब वो उतना रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मेरी इस डेटा सीरीज को लेकर इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं उसके बाद हम लोग मीडियन शुरू करेंगे उदाहरण के लिए हम लोगों को एक कंपनी में काम करने वाले लोगों की एवरेज इनकम जाननी है मानते हैं इस कंपनी के अंदर 10 एम्प्लॉय काम करते हैं अब हमने उन 10 एम्प्लॉयज से उनकी सैलरी पूछी उनमें से 9 एम्प्लॉयज ने अपनी सैलरी किसी ने 8,000, किसी ने 9,000, किसी ने 10,000, किसी ने 11 किसी ने उन नौ लोगों ने नौ एम्प्लॉयज ने ए टू ट्वेल्व की रेंज में अपनी सैलरी हमें बताई अब हम लोगों ने दसवा जो व्यक्ति था उससे उसकी सैलरी पूछी वो उस कंपनी की बहुत हायर पोजीशन पर था उसने अपनी सैलरी हमें एक लाख रुपए बताई ये नौ लोग जो आठ से बारह हज़ार की सैलरी पा रहे हैं जब इनकी सैलरी के एवरेज में मैं उनके सीईओ जो बड़ा अधिकारी है उसकी सैलरी को एवरेज में पुट करता हूं तो मैं देखूंगा कि पूरी कंपनी के दस एम्प्लॉय की एवरेज सैलरी उस डायरेक्शन में बढ़ गई जिस समय जिस डायरेक्शन में एक्सट्रीम स्कोर था तो अगर अब उन एम्प्लॉय से कहा जाए कि आपकी कंपनी में तो इतनी एवरेज सैलरी मिलती है तो वो देखेंगे कि उनकी एक्चुअल सैलरी और उनकी कंपनी की एवरेज सैलरी में एक बड़ा डिफरेंस है तो वो कहेंगे कि ये जो एवरेज सैलरी है ये मेरी कंपनी की एवरेज सैलरी एक्चुअल जो एवरेज सैलरी होनी चाहिए उसे रिप्रेजेंट नहीं कर रही है ये हमारी सैलरी को वो नौ लोग कहेंगे हमारी सैलरी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है तो इस कंडीशन में हमारा मीन हमारी बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो अगर हमारे डेटा पॉइंट्स एक दूसरे से सिमिलर हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं एक्सट्रीम स्कोर नहीं हैं तब हमारा मीन हमारी डेटा सीरीज के लिए एक बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है लेकिन अगर इस तरह की कंडीशंस हैं तो हम दूसरा केंद्रीय माप यूज़ करेंगे जिसे हम कहते हैं मीडियन अब हम लोग इसे रब करते हैं और मीडियन की फंक्शनिंग समझने की कोशिश करते हैं मीडियन पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि मीडियन किसे कहते हैं तो मीडियन वो डेटा पॉइंट है जो मेरी पूरी डेटा सीरीज़ को दो इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करता है जिसमें ये दोनों हिस्से बराबर रूप से फिफ्टी फिफ्टी परसेंट वेटेज ओन करते हैं इसे हम एक लाइन के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं अगर ये मेरी पूरी डेटा सीरीज का डिस्ट्रीब्यूशन है और मुझे ये ज्ञात करना हो कि मीडियन कहाँ है तो मेरा मीडियन उस पॉइंट पर होगा वो पॉइंट जो मेरी इस पूरी डेटा सीरीज को दो बराबर हिस्सों में बांट दे और ये दोनों बराबर हिस्से अपने आप में 50-50 परसेंट -50 डेटा पॉइंट्स ओन करते हों इसे हम लोग एक सामान्य एग्जाम्पल से समझते हैं आप लोगों ने पुराने वाले तराजू देखे होंगे तो वो जो तराजू होते हैं वो कब उनका जो बीच में आ, आ, साइन होता था कि दोनों तरफ बराबर वेट का सामान है वो तब जब दोनों बैलेंस होते थे अगर किसी भी एक पड़ने में वेट ज़्यादा है तो वो दोनों बैलेंस नहीं होंगे तो जो मीडियन है ये हमारी पूरी डेटा सीरीज़ का एक बैलेंस पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि जहाँ से यहाँ तक और इसके दूसरी साइड दोनों तरफ बराबर मैग्नीट्यूड के डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं अब हम लोग इसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू के एग्जांपल से समझेंगे हमारे पास यही डेटा पॉइंट है हम लोग यूज़ करते हैं दोबारा फाइव सेवन एट नाइन इलेवन जब हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो हम अपनी डेटा सीरीज को पहले एक बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं तो हमने इसी डेटा सीरीज को एक बढ़ते हुए क्रम में प्लेस किया है अब हमारे पास मीडियन कैलकुलेशन की स्टार्टिंग पॉइंट शुरू होती है तो मीडियन का फॉर्मूला होता है एन प्लस डिवाइड डिवाइडेड बाय टू टी पोजीशन अर्थात इसकी जो कैलकुलेशन से हमें मिलेगा वो वो पोजीशन मिलेगी और उस पोजीशन पे जो डेटा पॉइंट इस डेटा सीरीज में होगा वही मेरा इस डेटा सीरीज का मीडियन होगा तो हम यह कैलकुलेशन करते हैं एन फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाय टू कैलकुलेशन से मुझे पता चला थर्ड पोजीशन। अब मैं देखूंगा कि मेरी डेटा सीरीज में थर्ड पोजीशन पर कौन सी नूमेरिकल वैल्यू है वन टू थ्री एट तो मेरी इस डेटा सीरीज की मीडियन वैल्यू हुई एट अब हम लोग इसी एग्जाम्पल को दोबारा यूज करते हैं एक्सट्रीम स्कोर के साथ लास्ट टाइम पर हम लोगों ने इसमें एक डेटा पॉइंट ऐड किया था और वो था 80. अब हम लोग इसका मीडियन कैलकुलेट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय टू पोजीशन तो हमारे पास कैलकुलेशन में आता है थ्री पॉइंट फाइव इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है थर्ड पोजीशन एंड फोर्थ पोजीशन पर जो नूमेरिकल वैल्यूज हैं उन दोनों नूमेरिकल वैल्यू का हमें एवरेज कैलकुलेट करना है तो हम यह देखते हैं कि थर्ड पोजीशन पर एट एंड फोर्थ पोजीशन पर नाइन है अब हम क्या करेंगे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए एट प्लस नाइन डिवाइडेड बाय टू तो हमारे पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो होगी एट पॉइंट फाइव तो अब हम कह सकते हैं कि इस डेटा सीरीज का जिसमें हम लोगों ने एटी ऐड किया है उसका मीडियन 8.5 होगा और जब हमारे पास ये आउटलेयर नहीं था तब इसका मीन मीडियम था एट तो एक्सट्रीम एक स्कोर होने के बावजूद मेरा मीडियन की वैल्यू इतनी डिस्टोर्ड नहीं हुई जितनी मीन के केस में हुई थी वहां पर एट से वो बढ़कर ट्वेंटी तक पहुंच गई थी तो अगर एक्सट्रीम क्रोस एक्सट्रीम स्कोर्स हमारे डेटा सीरीज में है तो हम लोगों को मीडियन कैलकुलेट करना ज्यादा यूजफुल है ज्यादा पर्पज सॉल्व करता है रादर देन मीन तो अभी तक हम लोगों ने मीन और मीडियन के बारे में डिस्कशन पूरा किया अब हम लोग मीडियन के बारे में अपना डिस्कशन शुरू करते हैं सॉरी अब हम लोग मोड के बारे में अपना डिस्कशन शुरू करते हैं मीडियन और मीन के बाद मोड हमारा सेंट्रल टेंडेंसी का एक नेक्स्ट मेज़र है मोड का अर्थ है वो नूमेरिकल वैल्यू जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे डेटा सीरीज में हो अब हम इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डेटा सीरीज़ है उसकी नूमेरिकल वैल्यूज़ हैं फाइव नाइन एट सेवन इलेवन एट नाइन एट एट इलेवन ओके दैट्स ऑल सो इस डेटा सीरीज में हम देखते हैं कि जो एट नूमेरिकल वैल्यू है इसकी हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी है वन टू थ्री फोर तो वो डेटा पॉइंट वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो मेरे डेटा सीरीज में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी ओन करता है या जिस डेटा पॉइंट के बार बार आने के कारण हम उसे मोड कहते हैं बहुलांक बहुलांक मतलब वो वाला अंक जो बहुत मात्रा में है बहुत बार आया है तो वो होगा हमारा मोड। मोड सिंपली अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें सिर्फ उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेज़र करनी है देखनी है कि किस डेटा पॉइंट की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है लेकिन अगर किसी कंडीशन में हमारे पास पूरा डेटा नहीं है हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं फर्स्ट मीडियन की एंड मीन की तो अगर हमारे पास ये दो वैल्यू भी हैं तो हम मोड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जिसके लिए हमारे पास एक फार्मूला अवेलेबल है वो है थ्री मीडियन माइनस टू मीन अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं हम ये मानते हैं कि हमारे पास जो मीडियन है उसकी वैल्यू है थ्री तो इस फॉर्मूला में रखने के बाद और हम ये मानते हैं कि हमारे मीन की वैल्यू है टू तो अब जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा थ्री इंटू थ्री नाइन माइनस टू इंटू टू फोर इक्वल टू फाइव तो अगर किसी डेटा सीरीज का मीडियन थ्री और मोड टू है तो उस कंडीशन में सॉरी मीडियन थ्री एंड मीन टू है तो उस कंडीशन में उस डेटा सीरीज का मोड फाइव होगा तो अब तक हम लोगों ने मीन मीडियन मोड का बेसिक कॉन्सेप्ट जाना उसके बेसिक उपयोग जाने और उसके बेसिक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में चर्चा की अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम मीन की गणना मीन की कैलकुलेशन किस किस माध्यम से कर सकते हैं ये आगे डिस्कशन में बढ़ते हैं तो अगर हमारे पास अगर सिर्फ अनग्रुप डेटा था तो उसकी मीन की कैलकुलेशन हम लोगों ने एक बार पहले करी जिसका फार्मूला था समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन लेकिन अगर मेरे पास जो डेटा है वो डेटा फ्रिक्वेंसी में है फ्रीक्वेंसी भी उस डेटा में अवेलेबल है तो उस कंडीशन में मुझे अपने डेटा का मेन कैसे कैलकुलेट करना है अब हम लोग इस पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे तो अगर मेरे पास स्कोर्स हैं हम लोगों ने ये डेटा इसीलिए पहले से कैलकुलेटेड रखा है ताकि हम लोग अपना समय थोड़ा बचा सकें हमारे पास स्कोर हैं जिसे हम लोग कॉमनली एक्स से डिनोट करते हैं उसके बाद फ्रीक्वेंसीज जिसे हम एफ़ से डिनोट करते हैं तो ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल डेटा है जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि टू एक स्कोर है जो तीन बार है फोर एक स्कोर है जो वो भी तीन बार है फाइव एक स्कोर है वो फाइव टाइम्स है सिक्स एक स्कोर है जो टू टाइम्स है तो इस कंडीशन में टोटल एन मेरा होगा टोटल एफ़ एफ़ का जो कॉलम है इसे मैं सम करूँगा यहाँ पर मेरा एन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नहीं है ये पॉसिबल डेटा पॉइंट्स हैं टोटल डेटा पॉइंट्स मेरे क्योंकि दो कितनी बार आया है तीन बार तो इसीलिए जो टोटल एन होगा वो होगा ट्वेंटी अब मेन कैलकुलेट करने के लिए मुझे इस तरह की कंडीशंस में जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो है एफ एक्स अर्थात जो मेरे पास एक्स की वैल्यू है डेटा पॉइंट्स हैं उसे मल्टीप्लाई करना है एफ उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है करना क्या होगा आपको एक्स की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एफ टू इंटू थ्री सिक्स फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और इस प्रकार से हम लोगों को एफ एक्स करना है हमारे सभी स्कोर्स के लिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये जो हमारे पास एफ़ एक्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज मिली हैं इनको सम करना है टोटल इनका करना है तो हमने इनका टोटल किया तो हमारे पास समीशन एफ एक्स आया 73 अब हमें फॉर्मूला के द्वारा हमें अपना मीन कैलकुलेट करना है तो फार्मूला मीन का सेम रहेगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन तो हो जाएगा सेवेंटी थ्री डिवाइडेड बाय ट्वेंटी और जो मेन की वैल्यू आएगी वो होगी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव तो यहां पर हम लिख सकते हैं मेन इजकल टू थ्री पॉइंट सिक्स फाइव तो इस प्रकार हमने देखा कि अगर हमारे पास स्कोर्स हैं उनकी फ्रिक्वेंसी है तो हम किस किसके द्वारा किस मेथड के द्वारा किस फार्मूला के द्वारा उस सीरीज़ का मेन कैलकुलेट कर सकते हैं अब हम लोग आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अगर हमारे पास डेटा डेटा पॉइंट्स में स्कोर्स में ना हो हमारे पास जो डेटा हो वो क्लास में हो क्लास इंटरवल में जैसा हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कशन किया था कि हम रॉ डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्लास इंटरवल के माध्यम से तो अब हमारे पास उसी तरह का डेटा है हमारे पास क्लास इंटरवल्स हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी है अब हमें उसका मेन कैलकुलेट करना है लॉन्ग मेथड से इसके दो मेथड हैं एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड हम एक एक करके दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे लॉन्ग मेथड में मेन कैलकुलेट करने के लिए जो हमारा पहला स्टेप है वो है मिड पॉइंट कैलकुलेट करना मैं आशा करता हूं कि मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हम सभी को याद होगा हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी डिस्कशन किया है जब हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन कर रहे थे एक बार रिवीजन के लिए मैं फिर से आपके सामने मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का फार्मूला रख रहा हूं तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है उसमें पहली वैल्यू की जो मुझे ज़रूरत है वो है लोअर लिमिट तो so, अगर मुझे 30 टू 34 क्लास का लोअर लिमिट चाहिए तो वो होगा 29.5। उसके बाद मुझे नेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए एग्जैक्ट अपर लिमिट उस क्लास की और इस क्लास की अपर एग्जैक्ट लिमिट होगी 34.5। देन माइनस एग्जैक्ट लोअर लिमिट ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय टू तो कैलकुलेशन से आएगा थर्टी टू अब हम लोग ये डेटा पॉइंट्स अपने स्टेबल में लिख रहे हैं ताकि हम लोगों को बार बार कैलकुलेशंस ना करना पड़े अब हम लोगों को नेक्स्ट जो कॉलम कैलकुलेट करना है वो होगा एफ एक्स अर्थात हमें अपनी फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई करना है अपने मिड पॉइंट से हमने ये कैलकुलेशंस पहले से की हैं तो अब हम लोग उन कैलकुलेशंस की वैल्यू आप लोगों के सामने लिख रहे हैं अब हम लोगों का लॉन्ग मेथड में स्टेप वन मिड पॉइंट कैलकुलेट करना एफ एक्स कैलकुलेट करना ये दोनों स्टेप कंप्लीट हो गए हैं अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं मीन की फॉर्मूला होगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन तो अभी मुझे और क्या कैलकुलेट करना है इस कॉलम का समीशन हम लोगों ने कैलकुलेशंस की और हम लोगों ने पाया कि ये वैल्यू होगी सेवन एट थ्री अब हम इसे अपने फार्मूला में रखते हैं सेवन एट थ्री डिवाइडेड बाय नाइन्टीन डिवाइडेड बाय नाइन्टीन तो अब जो इस सीरीज़ का मेरे पास मेन कैलकुलेट होगा वो होगा फोर्टी वन पॉइंट टू वन एक बार वापस इसे रिकैप करते हैं जब हमारे पास डेटा क्लास इंटरवल्स में हो और हमें लॉन्ग मेथड से मीन कैलकुलेट करना हो तो उसमें सबसे पहला स्टेप है मिड पॉइंट को आइडेंटिफाई करना मिड पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस एग्जैक्ट अपर लिमिट माइनस एग्जैक्ट लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई टू और एक एक करके हमने अपनी सारी क्लासेस के मिड पॉइंट को कैलकुलेट किया उसके बाद एफ़ेक्स कैलकुलेट किया एफ़क्स कैलकुलेट करने के बाद समीशन एफ़ एक्स कैलकुलेट किया और उसे हमने अपने एन से डिवाइड किया इस कंडीशन में जो हमारे पास एन था वो था 19। इसके बाद हम लोगों को 41.21 का मीन वैल्यू ऑप्टेन किया लॉन्ग मेथड पर डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग इसके नेक्स्ट मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड है शॉर्ट मेथड। इस मेथड को हम शॉर्ट मेथड कहते हैं जब हमारे पास क्लास इंटरवल भी अवेलेबल हो, फ्रिक्वेंसीज भी हो, लेकिन अब हमें मीन कैलकुलेट करना है इसमें एक डिफरेंस है लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड में देखिए जब हमने लॉन्ग मेथड से कैलकुलेशंस की थी तो हमें बहुत बड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ी थी शॉर्ट मेथड में ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है बस जो कैलकुलेशंस हैं जो मल्टीपिक मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ रही हैं उनकी डिजिट सम हाउ उससे कुछ कम होती है तो एक तरीके से वो एक लॉन्ग मेथड लगता है एक शॉर्ट मेथड लगता है आप दोनों मेथड में से किसी से भी कैलकुलेट कीजिए आपकी वैल्यू मेन की सेम ही आएगी तो अब हम लोग शॉर्ट मेथड से मेन कैलकुलेट करना शुरू करते हैं तो इसमें सबसे पहला स्टेप है अगेन मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हमने मिड पॉइंट पहले भी कैलकुलेट किया है हम उसी वैल्यूज़ को दोबारा से यहां पर लिख देते हैं इस शॉर्ट मेथड को हम लोग अज्यूम्ड मीन मेथड के नाम से भी जानते हैं क्यों क्योंकि जो इसमें नेक्स्ट स्टेप है शॉर्ट मेथड से मीन कैलकुलेट करने का उसका बेसिस है एज्यूम्ड मीन अब हम लोगों को क्या करना है इसी भी क्लास में अज्यूम करना है कि इसी क्लास में मीन लाई करेगा किसी भी आप क्लास में मान सकते हैं कॉमनली वो जो क्लास बीच में लाई करती है हम लोग उस क्लास में अपना मीन एज्यूम कर लेते हैं हम यहाँ पे मानते हैं कि जो हमारा मीन है वो इस क्लास में 40 टू 44 की क्लास में लाई करेगा होगा अब इस क्लास के सामने सबसे पहले हम लोग जीरो इंडिकेट करते हैं ज़ीरो लिख देते हैं क्यों क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग इस पॉइंट से डिविएशन आइडेंटिफाई करेंगे क्लासेस का तो देखिए कुछ बुक्स में यहाँ पर इसे इंडिकेट किया गया है स्मॉल डी से कुछ बुक्स में इसे इंडिकेट किया गया है एक्स डैश से तो चाहे किसी बुक में आपको डी दिखा मिले चाहे एक्स डैश दिखा मिले दोनों का मीन सेम है अब बढ़ते हुए साइड में हम लोग प्लस वन इसका अर्थ हुआ कि यहाँ पे अज्यूम्ड मीन वाली क्लास से हम लोग एक क्लास डिविएट आगे बढ़े हैं अब नेक्स्ट क्लास टू इसका अर्थ हुआ कि हम अज्यूम मीन वाली क्लास से दो पॉइंट आगे बढ़े हैं अब निगेटिव साइड इसका अर्थ हुआ कि हम मीन वाली क्लास से एक डिविएशन और फिर सेकेंड डिविएशन नीचे मूव किए हैं अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है एफ डी या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है स्पेशली गैरेट में एफ एक्स डैश अर्थात फोर मल्टीप्लाई बाय टू तो वैल्यू मेरे पास होगी साइन हमें यहां पे कंसीडर करना है प्लस और माइनस दोनों का फोर मल्टीप्लाई बाय टू एट किसका प्लस साइन टू मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय वन प्लस टू जीरो मल्टीप्लाई बाय फाइव जीरो माइनस वन मल्टीप्लाई बाय थ्री माइनस थ्री टू मल्टीप्लाई बाय फाइव लेकिन माइनस में माइनस टेन अब हमें यहाँ पे बहुत ध्यान देना है और इस अजून वाली क्लास के ऊपर जो मैंने वैल्यू ऑप्टेन की है एफ एक्स के कॉलम में उन दोनों को सम करना है क्यों क्योंकि दोनों पॉइंट प्लस में हैं तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस टेन अब यही काम यही प्रक्रिया मुझे नीचे वाले कॉलम्स में करना है यहाँ पर दोनों मिलकर होंगे तेहरा लेकिन माइनस में अब नेक्स्ट स्टेप है समीशन एफ एक्स डैश या समीशन एफ डी कैलकुलेट करना दोनों सेम आएंगे अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस दिए हैं यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आएगी वो होगी माइनस थ्री क्यों क्योंकि जब मैं प्लस टेन माइनस थर्टीन करूँगा तो मेरे पास थ्री की वैल्यू होगी माइनस के साइन के साथ यहीं पर बच्चे कई बार गलती करते हैं या तो वो ये प्लस और माइनस का साइन भूल जाते हैं या यहाँ पर वो माइनस का साइन नहीं लगाते देखिए जहाँ जिस भी साइन के साथ हायर न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होंगी वही साइन कैरी होता है कैलकुलेशंस में अगर यहाँ पर प्लस के थर्टीन और माइनस के टेन होता तब यहां पर प्लस थ्री होता लेकिन अभी हमारे पास माइनस थर्टीन है तो जो थ्री है हमारे पास वो माइनस का साइन कैरी करेगा अब फॉर्मूला मीन इन शॉर्ट मेथड स्क्वल टू ए एम इसे हमने कहा अज्यूम्ड मीन जो हमने अभी अज्यूम किया था प्लस समीशन एफ एक्स डैश डिवाइडेड बाय एन इनटू आई आई मीस साइज ऑफ क्लास इंटरवल हम इसी क्लास को रेगुलर यूज कर रहे हैं तो हम लोगों को इसका आई क्लास इंटरवल का साइज पता है वो है फाइव एज्यूम्ड मीन का अर्थ है जिस क्लास में हमने मीन एज्यूम किया है उसका मिड पॉइंट तो हमारी जो क्लास थी जिसमें एज्यूम किया था वो थी ये इसका मिड पॉइंट है 42 तो हम फॉर्मूला में रखते हैं तो हम पाएंगे 42 प्लस तो अब हम लोग मीन की कैलकुलेशंस के डिफरेंट मेथड्स के डिस्कशन को कंप्लीट करते हुए मीडियन और मीडियन को हम लोग किस तरह से डिफरेंट मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे हैं जैसा कि हमने जब हम मीडियन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे इसके थर्टिकल पार्ट को डिस्कस किया था और बताया था कि मीडियन वो पॉइंट है जो हमारे पूरी डेटा सीरीज को दो इक्वल भाग में बांटता है जिसमें पहला भाग फिफ्टी परसेंट और दूसरा भाग 50 परसेंट डेटा ओन करता है इसी थोरटिकल फाउंडेशंस को कंसीडर करते हुए हम मीडियन की डिफरेंट मेथड्स जिससे हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल डेटा अपने पास लिया है इस डेटा में आप देखेंगे कि हमारे पास स्कोर्स हैं और उन स्कोर्स की फ्रीक्वेंसी है मीडियन जब हमें अनग्रुप डेटा में कैलकुलेट करना है तो उसको कैलकुलेट करने की विधियों के बारे में हम लोग इस लेक्चर के शुरुआत में डिस्कस डिस्कशन पूरा कर चुके हैं तो अब हम लोग जो नए और मेथड्स हैं मीडियन कैलकुलेट करने के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटा सेट के साथ वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसमें जो नया तरह का डेटा सेट हमारे पास है जहाँ हमारे पास स्कोर्स हैं और स्कोर्स के साथ उनकी फ्रिक्वेंसी भी अवेलेबल है इसी तरह के डेटा सेट के साथ हम लोगों ने मीड भी कैलकुलेट करना सीखा था अब इसी तरह के डेटा सेट के साथ हम लोग मीडियन कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं ये देखते हैं तो जब हमारे पास स्कोर्स हैं और स्कोर्स की फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक स्कोर है सिक्स जिसकी फ्रिक्वेंसी टू है एक स्कोर है फोर उसकी फ्रिक्वेंसी थ्री है एक स्कोर है टू उसकी फ्रिक्वेंसी थ्री है और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है इन फ्रिक्वेंसीज़ को काउंट करना तो हमने देखा कि हमारा इन फ्रीक्वेंसीज का टोटल ट्वेंटी जब हमारे पास एंड है और हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है कि मीडियन कहाँ लाई कर सकता है तो थ्योरेटिकली मीडियन कहता है कि वो वो पॉइंट है जो मेरी पूरी डेटा सीरीज़ को बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो बराबर से कौन सा डेटा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो उस डेटा सीरीज़ के मिडिल में कहीं लाई करता हो तो जब अगर पूरी डेटा सीरीज़ में ट्वेंटी का डिस्पर्जन है रेंज है तो एन बाई टू अर्थात ट्वेंटी बाई टू तो टेन हाउ वो पॉइंट होगा जो मेरे डेटा सीरीज को दो इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि वो एन बाई टू कहाँ पर लाई कर रहा है अब हम क्या करेंगे कि इस डेटा पॉइंट को कंसीडर करेंगे कि ये हमारा डेटा पॉइंट मीडियन पॉसिबली होगा क्योंकि यहां पर एन बाई टू अर्थात टेन की पोजीशन है और ये पोजीशन हमने कैसे आइडेंटिफाई की क्यूमिटिव फ्रीक्वेंसी के चार्ट से तो जब हम लोग मीडियन कैलकुलेट करते हैं स्कोर्स और फ्रीक्वेंसी के साथ हमें एक कॉलम जनरेट करना है जिसे हम मानते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी हमने इससे पहले भी डिस्कस की है और ये जाना है कि क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी किसे कहते हैं बस एक रिकैप की तरह हम बता रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का अर्थ होता है कि वो फ्रिक्वेंसी जब फ्रीक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी में एडअप होती चली जाती हैं अर्थात क्यूमुलेट होती चली जाती हैं फ्रीक्वेंसीज तो जो हमारे पहला डेटा पॉइंट है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी थ्री है तो नेक्स्ट डेटा पॉइंट की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसकी फ्रीक्वेंसी भी एड हो जाएगी तो ये पॉइंट होगा सिक्स अब अगर मुझे नेक्स्ट डेटा पॉइंट की क्यूमरेटिव फ्रिक्वेंसी चाहिए तो मैं इसमें इस डेटा पॉइंट को ऐड कर दूंगा अब अगर मुझे नेक्स्ट की चाहिए तो मैं इसी तरह से एग्जिस्टिंग क्यूमरेटिव फ्रिक्वेंसी में अपकमिंग फ्रिक्वेंसी को ऐड करता जाऊंगा और उसकी क्यूमरेटिव फ्रिक्वेंसीज मुझे मिलती चली जाएंगी यहाँ पर हम लोगों ने यह भी जाना था कि क्यूमरेटिव फ्रिक्वेंसी लास्ट डेटा पॉइंट या लास्ट क्लास की इक्वल होती है हमारे एन के अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है कि मेरी कम्युनिटी फ्रीक्वेंसीज की कैलकुलेशंस में कोई एरर नहीं हुई होगी अब हम लोग ये देखते हैं कि एन बाई टू कहां पर लाई कर रहा है यहां पर टेन तो इसी डेटा पॉइंट पर मीडियन होगा अब हम इस डेटा पॉइंट को कंसीडर करेंगे और अपने मीडियन को कैलकुलेट करेंगे तो जो मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो यहां पर हम लोगों ने पहले से ही लिखा हुआ है अब हम इसे एक्सप्लेन करेंगे तो मीडियन इज क्वल टू एल यहां एल का अर्थ है लोअर लिमिट उस क्लास की या उस डेटा पॉइंट की जहाँ पर n बाई टू क्यूमिटिव फ्रिक्वेंसीज़ में लाई कर रहा है तो हम देखते हैं कि क्यूमिटिव फ्रिक्वेंसी टेन किस डेटा पॉइंट के सामने है थ्री के तो जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो इस थ्री की लोअर लिमिट एग्जैक्ट लोअर लिमिट को हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे उसके बाद प्लस एन बाई टू एन बाई टू क्लियर है एन स्क्वल टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई टू दैट मीन्स टेन जो हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया है उसके बाद माइनस एफ इस एफ का अर्थ है जिस डेटा पॉइंट या क्लास में एन बाई टू लाई कर रहा है उस डेटा पॉइंट के बिलो की क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसीज तो हम देखते हैं कि देखिए यहां पर दस लाई कर रहा है तो इस डेटा पॉइंट या इस क्लास के बिलो जो क्लास या डेटा पॉइंट है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या है तो यहाँ हमने देखा सिक्स है तो इस एफ का अर्थ हुआ सिक्स क्यों क्योंकि यहीं तक मीडियन पॉइंट के बिलो की जितनी फ्रिक्वेंसीज हैं वो हमने यहां पर एडअप कर ली है इसके बाद है हमारे पास एफ एम एफ एम का अर्थ है जिस डेटा पॉइंट या जिस क्लास इंटरवल में एन बाई टू लाई कर रहा है उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी यहां पर है फोर तो अगर हम ये ध्यान से देखें तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ नंबर्स की जरूरत है जिसमें पहला है लोअर लिमिट दूसरा है एफ तीसरा है एफ एम रिविजन के लिए देखते हैं लोअर लिमिट वो जहां पर एन बाई टू लाई करें उस डेटा पॉइंट या उस क्लास की लोअर लिमिट तो एल क्लियर हो गया उसके बाद एन बाई टू एन बाई टू ईली क्लियर है उसके बाद एफ एफ मतलब जहाँ पर एन बाई टू लाई कर रहा है उस क्लास या डेटा पॉइंट के नीचे की सारी फ्रिक्वेंसी का टोटल वो होगा इस सी में हमें मिल गया उसके बाद एफ एम अर्थात जहां पर एन बाई टू लाई किया है उस डेटा पॉइंट या उस क्लास की एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी फोर अब हमें क्या करना है अब हमें ये वैल्यूज पुट करनी है तो हम यहां पर थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं दोबारा और मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं एल थ्री की एग्जैक्ट लोअर लिमिट होगी टू पॉइंट फाइव क्योंकि एग्जैक्ट लोअर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पॉइंट फाइव माइनस करते हैं एग्जैक्ट अपर लिमिट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पॉइंट फाइव एड करते हैं तो थ्री की लोअर लिमिट हुई एग्जैक्ट लोअर लिमिट टू पॉइंट फाइव प्लस एन बाई टू टेन हुआ उसके बाद एफ हम लोगों ने डिस्कस किया है इस डेटा सीरीज में सिक्स होगा उसके बाद फोर और ये कैलकुलेशंस जब हम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होगी थ्री पॉइंट फाइव ये कैलकुलेशंस हमने पहले से की थी तो समय बचाने के लिए हम इन कैलकुलेशंस में थोड़ा कम समय यूज़ कर रहे हैं तो अगर इस डेटा सीरीज़ का मुझे मीडियन बताना हो तो अब मैं बता सकता हूँ कि इस डेटा सीरीज़ का जो मीडियन होगा वो होगा 3.5 जो देखिए जब हमने n बाई टू में माना था कि सीरीज में होगा वो उसके बहुत क्लोज है अब हम लोग मीडियन कैलकुलेट करने की नेक्स्ट मेथड को डिस्कस करते हैं तो मीडियन कैलकुलेट करने का नेक्स्ट मेथड है जब जब हमारे डेटा में क्लासेस हों क्लास इंटरवल हों और उन क्लासेस का क्लास इंटरवल्स का फ्रीक्वेंसी का डेटा हमारे पास अवेलेबल हो तो इस एग्ज़ाम्पल में हमने इसी तरीके से इस एग्ज़ाम्पल को क्रिएट किया है जहाँ पर हमारे पास डेटा है क्लासेस में जहाँ पे हमारे पास फ्रिक्वेंसीज हैं अब हम लोग इस कंडीशन में किस तरीके से मीडियन कैलकुलेट करते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मीडियन का फॉर्मूला ऑलमोस्ट वही है सेम है जैसा कि लास्ट के एग्ज़ाम्पल में था यहाँ पर स्कोर्स थे यहाँ पर फ्रिक्वेंसीज थी अब सिर्फ एक चीज का डिफरेंस आया है कि जहाँ पर स्कोर्स थे अब हमारे पास वहाँ क्लास इंटरवल हैं तो हम लोग क्या करेंगे इस डेटा में एक वैल्यू और ऐड हो गई इस फार्मूला में वो है आई मीन्स क्लास इंटरवल तो अब ये फार्मूला बन जाएगा एल प्लस एन बाई टू माइनस एफ डिवाइडेड बाई एफ एम इन टू आई उसी फॉर्मूला में हमें लास्ट में बस आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है तो अब हम इसी प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना होगा सी एफ हम लोगों ने पहले से कैलकुलेट किया है उसे हम लोग थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं फाइव एट थर्टीन फिफ्टीन नाइनटीन अब हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है एन बाई टू तो नाइनटीन डिवाइडेड बाई टू तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी नाइन पॉइंट फाइव तो अगले स्टेप में हमें क्या करना है आइडेंटिफाई करना है क्यूमिटिव फ्रिक्वेंसी के कॉलम को देखते हुए कि नाइन पॉइंट फाइव कहाँ पर लाई कर रहा होगा तो आ, पाँच आठ तेहरा आठ से ऊपर पंद्रह से नीचे तो इस क्लास में हमारा मीडियन कहीं लाई करता होगा अब हम क्या करेंगे इसी कंडीशन को जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में किया था उन्हीं वैल्यूज को पुट करते हुए इस फॉर्मूला में रखेंगे तो सबसे पहले मुझे किसकी वैल्यू चाहिए एल एल क्या है लोअर लिमिट उस क्लास या उस डेटा पॉइंट का इस क्लास की लोअर लिमिट क्या होगी थर्टी नाइन पॉइंट फाइव अब मुझे नेक्स्ट वैल्यू चाहिए एन बाई टू ऑलरेडी मेरे पास है अब मुझे क्या चाहिए एफ जैसा हमने अभी डिस्कशन किया था एफ कौन सी वैल्यू है जहां पर एन वाई टू लाई कर रहा है उससे नीचे वाली क्लास या डेटा पॉइंट तक की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसीज यहां पर वो वैल्यू है एट उसके बाद एफ एम एफ एम जहां पर एन बाई टू लाई कर रहा है उस क्लास या उस डेटा पॉइंट की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी इस कंडीशन में वो है फाइव अर्थात हमारे पास अब फॉर्मूला आई अभी आई बचा आई आई इसी डेटा के साथ हम पिछले काफी समय से डिस्कशन कर रहे हैं आई हमें पता है फाइव तो अब मेरे पास वो सारी वैल्यूज हैं जो मुझे मीडियन कैलकुलेट करने के लिए चाहिए तो अब मैं रखता हूँ L इक्वल टू थर्टी नाइन पॉइंट फाइव प्लस एन बाई टू हमने कैलकुलेट किया है नाइन पॉइंट फाइव माइनस एफ हमने अभी कैलकुलेट किया था आइडेंटिफाई किया एट एफ एम फाइव एक्जैक्ट फ्रिक्वेंसी वन इंटू आई तो ये कैलकुलेशन होंगी 39.5 प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय 5 इनटू .5, 5, 5 जब हम ये कैलकुलेशंस कंप्लीट करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू इमर्ज होती है वो होगी 41 ये कैलकुलेशंस हमने पहले ही कंप्लीट की हैं ताकि हम लोग इसके थेटिकल पार्ट और मेन मीडियन मोड को कैलकुलेट करने के प्रोसेस पर उसमें होने वाली गलतियों पर ज़्यादा डिस्कशन कर सकें तो अब हम लोग जस्ट एक रिकैप करते हैं कि आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हम लोगों ने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए जिसमें हमने मीन डिस्कस किया मीडियन डिस्कस किया मोड डिस्कस किया मीन की लिमिटेशंस डिस्कस की मेन को कैलकुलेट करना है अगर हमारे पास ग्रुप डेटा है तो कैसे करना है अनग्रुप डेटा है तो कैसे करना है मेन कैलकुलेट करने के लॉन्ग मेथड क्या है, शॉर्ट मेथड क्या है मीडियन कैलकुलेट करने के जिस तरह का डेटा हमारे पास है उस तरह के डेटा को कंसीडर करते हुए हमने मीडियन कैलकुलेट करने के मेथड्स को आज के लेक्चर में कंप्लीट किया आज का लेक्चर हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद धन्यवाद नमस्कार